वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज, अब फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर, साथ ही साथ में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एनएम 5,272 भर्ती कब। और ये वीडियो देखिए, संविदा एनएम बहन ध्यान दें, ठीक है, जो भी संविदा पे कार्य कर रही हैं एनएम बहन, आप सभी को ध्यान देना है। जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मेरे चैनल से जो जुड़ी हुई हैं एनएम बहन लोग, अभी संविदा पे काम कर रही हैं, मानता हूँ आप लोगों को ड्यूटी के दौरान टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, आप अपने ड्यूटी में व्यस्त हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको काम पे लोड है, वो अलग की बात है, लेकिन 5 मिनट का समय आज निकाल के चीज़ें को सुनना पड़ेगा और हो सकेगा तो उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। देखिए, जो भी यूपी ट्रिपल एससी एनएम 5,272 भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो देखिए नोटिफिकेशन आपका आने वाला था, विज्ञप्ति जो ये वैकेंसी निकल के आने वाली थी, ठीक है, ये इसका आपका जून महीने में ही निकल के आने वाली थी, ठीक है, जून महीने में ही निकल के ये भर्ती आने वाली थी, जून के मंथ में 15 जून से लेकर और लास्ट जून के बीच में ये भर्ती आ जानी थी, लेकिन डिले हो रहा है, जून ख़त्म हो चुका है, जुलाई आने वाला है, जुलाई भी मिड जुलाई पहुंच गई है, जुलाई भी अभी ख़त्म हो जाएगा कुछ ही दिनों में। अगर आप लोग अभी सीरियस नहीं हुए, किस लिए, देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी भर्ती ये जो 5,272 आपको भर्ती सुनने में आ रहा है, ठीक है, कि ये जुलाई महीने में देखने को मिल जाए, अगर ये आप चाहते हैं तो आपको अभी से ज्ञापन वाला कार्य करना होगा, ठीक है, ज्ञापन देना पड़ेगा आपको सीएम से मिलकर, एक बार ज्ञापन देना पड़ेगा, उनको याद दिलाना पड़ेगा लेखपाल 4700 नहीं, हमारी भी भर्ती है पीछे लगे हुई है, ठीक है। आपने लेखपाल, देखिए अभी आपने जब नियुक्ति पत्र वितरण देखा होगा सीएम सर का, ठीक है, उन्होंने बकायदा अच्छे तरीके से लेखपाल का नियुक्ति पत्र वितरण किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि अभी और भर्तियां देने वाले हैं हम 4700, लेकिन आपकी भर्ती या किसी और भर्ती के बारे में उन्होंने बिल्कुल चर्चा ही नहीं किया है, तो वो भूल गए हैं, उनको याद दिलाना पड़ेगा। जैसा हम लोग, और ये प्रयास पहली बार नहीं कर रहे हैं, जब ये सारा प्रोसेस अभी आपको जो दिखाई दे रहा है 5,272 भर्ती, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का वायरल नोटिस जो वायरल हुआ था, ठीक है, उसको या फिर न्यूज़पेपर में 4700, ये सभी जो दिखाई दे रहा है ना भैया, ये सब प्रयास किया गया था, ठीक है, प्रयास किया गया था जनवरी महीने में, और इसी चैनल पे, कहीं और नहीं भैया, इसी चैनल पे प्रयास किया गया था जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, तब जाकर तो एक लेटर दिखाई दिया कि भैया जो लेटर भेजा गया था, ठीक है, वो परिवार कल्याण ने समस्त चिकित्सा अधिकारी को भेजा लेटर लिख के कि एनएम की न्यू भर्ती के लिए पूरा डेटा आप दीजिए, कितनी वैकेंसियाँ अभी खाली हैं, सभी का डेटा पोस्ट वाइज चाहिए हमको, ठीक है, कैटेगरी वाइज चाहिए, सभी वैकेंसी का डिटेल हमको चाहिए, पूरा कैटेगरी वाइज चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए, फरवरी में 13 फरवरी को वो लेटर जो हम आपको दिखाए थे, तो वो प्रयास के बदौलत, ज्ञापन के बदौलत चीज़ें हुई थी, और उसके बाद आपकी भर्ती आ जानी थी, मार्च में ही आ जानी थी, लेकिन वो आचार संहिता बीच में आने के कारण वो भर्ती नहीं आई, ठीक है, उसके बाद तब से लेकर अब तक कोई प्रयास आप लोगों के द्वारा ना किसी चैनल के द्वारा किया गया कि भैया चल के कम से कम ज्ञापन तो दे दें कि भर्ती आ रही है तो कब आ रही है। मैंने आपको बताया था, वो जानकारी रहती है किसी के माध्यम से, ठीक है, सबकी उतनी जानकारी नहीं रहती है क्योंकि वो लोग और चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, कोई पढ़ा रहा है तो अपना पढ़ाने में ही व्यस्त रहेगा, कैसे आप कोर्स को बेचना है, कितना कोर्स का प्राइस रखना है, तो इन सब चीज़ों में वो बिजी रहते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं कि भर्ती कम से कम तो निकालें भैया, भर्ती के लिए प्रयास तो करें, वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनके चैनल को खतरा रहता है, उनके कोचिंग का खतरा रहता है और भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो प्रयास हम छोटे जैसे लोग ही करते हैं, आगे आते हैं, चाहे वो भर्ती निकलवाने की बात हो, चाहे फिर आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट हो या फिर ज्वाइनिंग की बात हो, तो हम ही लोग को आगे आना पड़ता है भैया, क्योंकि छोटे लोग हैं, आप लोगों का कमेंट रिप्लाई कॉल ये सब आता है तो रह नहीं पाते हैं यार, दर्द क्योंकि उसी सिचुएशन से हम लोग गुजर चुके हैं और गुजर भी रहे हैं, तो आप लोगों का दर्द नहीं देखा जाता है, इसलिए आगे आते हैं आप लोगों के साथ, तो इस बार ध्यान से सुनिए, चल के फिर से जनता दरबार में ज्ञापन देना है सीएम सर को, ठीक है, अनुरोध करना है, रिक्वेस्ट करना है, उनके सामने चल के हाथ जोड़कर विनती करना पड़ेगा कि हम लोग के फ्यूचर के बारे में आज समझिए, क्यों इतना लेट लतीफ चीज़ें होती हैं बताइए, हम सब आप लोगों की जनता हैं, तो आप लोग अब हम लोगों का दर्द नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा बताइए।
तो आप लोग जो भी संविदा एनम बहन कार्य कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि काम ज़्यादा है, सैलरी कम है, हमको और आगे बढ़ना है, हमको नई भर्ती चाहिए, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि प्रयास करने पे हमको सफलता नहीं मिली है, सफलता मिली है। बस यही एक एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं हम लोग, पिछले 15 दिन से परेशान है, लेकिन सफलता मिलेगी, हमें पता है, पूरा विश्वास है कि सफलता मिलेगी। हमारा शासन प्रशासन इतना अच्छा है, अगर उन तक हमारी बात पहुँचती है, हमारा दर्द उन तक पहुँचता है, तो हमारे लिए वो काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनते हैं। तो आपको अपनी भर्ती के लिए चल के ज्ञापन देना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, अनुरोध करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी एनम बहन है संविदा पे काम कर रहे हैं या फिर तैयारी इंतजार में है कि भर्ती आए, तैयारी करें और पढ़ भी रहे हैं, आप पिछले 2 साल से पढ़ते आ रहे हैं, खूब पढ़ें, कोई बात नहीं, एक दिन की छुट्टी लीजिए, सोमवार को लखनऊ के आसपास के जिले के जो लोग हैं, चाहे वो लखनऊ के हों, चाहे लखनऊ के आसपास के जिले के हों, चल के ज्ञापन देना पड़ेगा सीएम सर को, स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलना पड़ेगा। और यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर लगातार कमेंट आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, चीज़ें कि सर अपडेट नहीं दे रहे हैं, क्या होगा आगे, क्या करना है, कुछ बताइए। तो यही एक तरीका, देखिए इतना ज़्यादा किस्मत हम लोगों का ही खराब है कि अभी सीएम जी का गोरखपुर के जनता दरबार का अपडेट ही नहीं मिल पा रहा है, कब वो लगाएंगे। अब इसके पहले तो हर 10-10 दिन पे उनका जनता दरबार लगता था, पिछले 3 बार से लगातार वो 10-10 दिन का गैप देकर जनता दरबार लगातार लगा रहे थे। लास्ट टाइम क्या हुआ था, इन्होंने 6 तारीख को लगाया था, ये आइडिया लग रहा था कि 16 तारीख को जनता दरबार लगाएंगे, लेकिन आज तारीख हो गई है, देखिए 14 तारीख हो गई है, अब तक अपडेट आ जाना चाहिए कि लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लेकिन जब भी लगाएंगे 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन आपको हम दे देंगे, लेकिन हमको इंतजार तब तक नहीं करना है, हो सकता है 20-21 को लगाए, तब तक नहीं, रुकना नहीं है। जो भी को ध्यान दीजिए, जो भी लखनऊ के यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं, चाहे वो एनएम बहन हो, चाहे फार्मासिस्ट के भाई हो, चाहे स्टाफ नर्स के भाई या बहन हो, चाहे लैब टेक्नीशियन के भाई हो, आप लोगों को अगर लखनऊ के आसपास के आप लोग हैं तो प्लीज़ आप एक बार फिर से ब्रिजेश पाठक सर के पास जाएं, उनको बताएं, ठीक है, क्या बताना है। देखिए हर बार हम तो आ ही नहीं सकते आपके साथ, पहली बात, उस बार आए थे तबीयत को लेकर झेल गए, 1 हफ्ते झेले हुए हैं, तो आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। हम बता सकते हैं, चीज़ें गाइड कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़ेगी तब साथ चल सकते हैं, हर बार हर दिन आना पॉसिबल तो होता नहीं है, घर के बगल तो है नहीं लखनऊ की, चल दें निकल लें, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, हमारा भी 300 का डिस्टेंस हो जाता है प्रयागराज से लेकर लखनऊ, अभी रेगुलर गाड़ियां ट्रेन नहीं है कि रेगुलर रहे, पकड़ के आदमी कभी भी चले कभी चला जाए, टाइम से मतलब एक टाइम टेबल नहीं है गाड़ियों का, ठीक है। तो इस तरीके से जो ट्रेनें हैं इस तरीके से हैं कि पूरा दिन पूरा रात चला जाता है आने जाने में, इसलिए आप लोग लखनऊ के हैं तो आप लोगों को जाना ही पड़ेगा, चाहे 1 लोग हों, चाहे 2 लोग हों, चाहे 3 लोग हों, ठीक है, आपको जाना पड़ेगा। पाठक सर को सारी बातें बता देनी है कि सर 2 जुलाई को आए थे, आपने कॉल भी किया था, फिर भी अभी तक हमको कोई अपडेट नहीं देखने को मिला है। सीधी सी बात है, अगर वेटिंग लिस्ट नहीं देना है तो भर्ती क्लोज करिए, नोटिफिकेशन एनएचएम से आज ही की डेट में डलवाइए कि नोटिफिकेशन वो डाल दें कि भर्ती 17,000 क्लोज हो रही है, हम इंतजार ही नहीं करेंगे, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। आप क्यों, किस लिए, हमें पता है कि ये लोग क्लोज नहीं करने वाले हैं, अब तक तो कोई काम ही नहीं कर रहे थे, आपके वेटिंग लिस्ट को लेकर ही आराम से बैठे थे, जब इतना ज्ञापन दिया गया, मिला गया स्वास्थ्य मंत्री विजय पाठक से मिला गया, उनका कॉल गया, तब ये काम करना शुरू किए हैं, तब ये काम करना शुरू किए हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर, इसके पहले तो आराम से बैठे थे। तो आप सभी को फिर से जाके वही चीज़ें बताना है, फिर से कॉल करवाना है। और इस बार देखिए, उस बार लास्ट टाइम 2 जुलाई को जब हम लोग गए थे सीएम सर के जनता दरबार में, हम लोग ज्ञापन तो दिए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो लेटर सीएम सर तक पहुँचा होगा, लेकिन इस बार आपको जाना है, बिल्कुल सख्त तरीके से होके बोलना है कि हमको सीएम सर से मिलना है, ठीक है। पिछले 1 महीने से हम लोग डेली भटक रहे हैं यहीं पर लखनऊ के जनता दरबार में, पिछले 1 महीने से डेली भटक रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, नहीं आज मुलाकात करवा के जाएं या तो लेटर हमारा वहां तक पहुंचाएं तुरंत तत्काल में, और सीएम सर मिल गए तो कॉल उनसे करवाना है, वहीं पे ऑन द स्पॉट कॉल करवाना है एनएचएम ऑफिस में कि हमारी समस्याओं को समझिए। बहन लोग जाएंगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, आप लोग जितना ज़्यादा संख्या में बहन लोग रहेंगे उतना ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, हमारे सीएम सर बहन लोगों की ज़्यादा सुनते हैं। तो सोमवार के दिन जनता दरबार 15 जुलाई वेटिंग लिस्ट को लेकर, सोमवार को आप सभी को एनएम बहन लोग, चाहे फार्मासिस्ट के भाई लोग, चाहे स्टाफ नर्स के भाई या बहन लोग, चाहे लैब टेक्नीशियन के भाई लोग हैं, लखनऊ के आसपास के हैं, तो आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर चीज़ें क्या से क्या हो सकता है, वेटिंग लिस्ट आएगी कब आएगी, फिर कोई आइडिया ही नहीं लग पाएगा कि उसका कब आने वाली है कब नहीं आने वाली है। एनएचएम ऑफिस में यही बोला जाता है, ऊपर से शासन से आदेश मिलने के उपरांत ही हम वेटिंग लिस्ट क्लियर कर सकते हैं,
तो जाके उनको बताना पड़ेगा सीएम सर को ये चीज़ें हैं। आरटीआई आप लोगों को पता होगा, आरटीआई जो लगाया गया था उसका आपको रिप्लाई का भी कॉपी लेके जाना है, साथ में एप्लीकेशन के साथ में लगाना है, उसी के एप्लीकेशन के साथ आपको लगाना है, ठीक है। आरटीआई के रिप्लाई में जो लिखा गया है कि शासन के आदेश आने के उपरांत ही हम वेटिंग लिस्ट क्लियर कर सकते हैं, उस चीज़ को दिखाना होगा। भर्ती है, बहुत भर्ती है, निचम में बहुत भर्ती खाली है, ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं खाली है, बहुत भर्ती खाली है, बस ये लोग क्लियर ही नहीं करना चाहते, काम ही नहीं करना चाहते हैं। अभी तो चुनाव में 3 महीने मस्त थे, चुनाव को ख़त्म हुए भी 2 महीना होने वाला है, लेकिन अभी चीज़ें कुछ नहीं हुआ है, प्रोसेस अब तो स्टार्ट हुआ है, जो भी प्रोसेस हुआ है, जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेटर भेजा, इतना ये सभी चीज़ें किया, ट्विटर कैंपेन किया, ये सब करने के बावजूद थोड़ा बहुत अब प्रोसेस हुआ है। पहले क्या बोल रहे थे, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, अब ये बोल रहे हैं कि अंडर प्रोसेस में है, ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें, अब ये बोला जाता है। अभी आप कॉल करेंगे एनएचएम ऑफिस में, ठीक है, तो अगर पूछेंगे यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो यही बोलेंगे कि अंडर प्रोसेस में है, उस पर काम हो रहा है। इसके पहले क्या बोला जा रहा था वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, इसकी भर्ती को क्लोज कर देंगे, ये बोला जा रहा था। तो ये नहीं है कि प्रयास करने से चीज़ें नहीं मिलता है। तो आप सभी जो भी संविदा पे काम कर रहे हैं, एनम बहन या फिर यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर 15 जुलाई को आपको पहुंचना पड़ेगा जनता दरबार में सोमवार के दिन, और ब्रिजेश पाठक सर के आवास पे। जो लोग गए थे वो लोग भी जा सकते हैं, लखनऊ के हैं तो, ठीक है। एनम जो यूपी ट्रिपल एससी एनम भर्ती को देखिए, अगर आपने प्रयास नहीं किया तो फिर भूल जाइए, फिर जुलाई में भर्ती आपकी आएगी नहीं, फिर अगस्त में भी नहीं आएगी। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, रीजन है उसके पीछे, रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है भैया, न्यू नोटिफिकेशन इनका फिक्स है, किसका, पेट का, पीईटी का इनका फिक्स रहता है, चाहे प्रदेश देश प्रदेश में कुछ भी हो जाए, उनका ये फिक्स रहेगा, ये तो आना तय है भैया, इसके लिए लेट नहीं करेंगे, ये पीईटी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लेट नहीं करेंगे, इसका शेड्यूल फिक्स है, सितंबर अगस्त में आ जाना है नोटिफिकेशन फॉर्म भरने का, उसके बाद अक्टूबर नवंबर एग्जाम करवा लेना है, फिर दिसंबर जनवरी में रिजल्ट दे देना है, ये फिक्स है। और जैसे इसका आ गया, अगर इसका नोटिफिकेशन आ गया फॉर्म अप्लाई करने का, तो समझ जाइए आपकी ये 5272 भर्ती अब नहीं आने वाली है, ठीक है, फिर 2027 का इंतजार करिए। क्यों, 26 में तो देंगे नहीं, 25 में देंगे नहीं, 27 में चुनाव है, चुनाव से ठीक 6 महीना पहले भर्ती निकालेंगे, भर्ती नहीं निकालेंगे, उसका नोटिफिकेशन निकालेंगे कि हम इतने भर्ती देने वाले हैं, फिर उसका फॉर्म अप्लाई कब होगा, चीज़ें क्या होगा, ये फिर डिले होगा, सभी लोगों को पता है चुनाव के लिए चाहिए ही चाहिए कोई, तो सच्चाई यही है। आप सभी एनम बहन लोग हैं तो प्रयास करेंगे तो जरूर मिलेगा सफलता, ठीक है। और कोई युद्ध करने की तैयारी नहीं हो रही है, बस चल के प्रार्थना करना है, रिक्वेस्ट करना है उनसे, बस और कुछ नहीं, कि हमारे लिए सोचा जाए, हमारे भविष्य के बारे में सोचा जाए। आखिर हम कब तक पढ़ें यार, एनम का क्लास करवा रहे हैं, वहाँ पे कमेंट आ जाता है सर पढ़ने का मन नहीं लगता है, वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हो रही है, वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हो रही है, पढ़ने का मन नहीं करता है, कॉल्स आ जाते हैं, 10 बजे रात भी कॉल आ जाता है, 9 बजे रात आ जाता है, 11 बजे रात आपके कॉल आ जाते हैं कि सर आप बताइए वेटिंग लिस्ट को लेकर बहुत परेशान हैं, चिंतित हैं, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घर पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कब तक घर वाले पढ़ाएं, तो समझ सकते हैं उस परिस्थिति से हर कोई गुजरता है जो आप अभी गुजर रहे हैं। लेकिन अपने बस में क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सिस्टम को भी समझना चाहिए, हमारा जो सिस्टम है इनको समझना चाहिए कि क्या पीड़ा होती है, एक स्टूडेंट की पीड़ा क्या होती है। इस समय अगर हमसे पूछेंगे तो सबसे बड़ा जो समस्या है यही बेरोजगारी का ही है, अगर बेरोजगारी खत्म तो सारी समस्या ही खत्म हो जाती, लेकिन इस चीज़ पे सिस्टम काम ही करना नहीं चाहता है। तो आप सभी लोग से हाथ जोड़कर विनती है, पर्सनल मैं विनती कर रहा हूँ, जो भी लखनऊ के लोग हैं प्लीज़ आप लोग पहुँच जाएँ जनता दरबार में सोमवार को, जाएं, सारी समस्याएं बताएं, क्या क्या प्रोसेस हमने अब तक किया है उनको बताएं, और लेटर उनके पास जो आपने स्पीड पोस्ट किया है वो लेटर ऑलरेडी पहुँचा है, बस आपको जाके सामने समस्याएँ बतानी है, ये चीज़ें हैं। पाठक सर से फिर मिलें, फिर उनसे कॉल करवाएँ, उनसे बताएँ कि 2 जुलाई को हम आए थे, नहीं हो रहा है काम, बिल्कुल अभी हमको बताया जा रहा है कि वेटिंग नहीं आएगी, यही बोलिए कि अभी हमको यही एनएचएम ऑफिस में जाते हैं तो पहली बात तो वहाँ पे मिलने के लिए तैयार नहीं होती हैं एमडी मैम, मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं होती हैं, समय ही नहीं रहता है, जो वहाँ के गार्ड होते हैं वो खुद ही बन जाते हैं महानिदेशक। तो चीज़ें समझ रहे हैं आप, जाके पूरा समस्या बताएं पाठक सर को। फिर देखिए स्वास्थ्य मंत्री उन्हीं के देखरेख में चीज़ें होता है, कुछ लोगों का कमेंट अब भी आएगा वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होगी, कमेंट आता है उनका, अब भी आता है, अभी वो इतने ज़्यादा आँख पे पट्टी बांध के बैठे हैं, एक ही कमेंट करते हैं कि एनएचएम आज तक कभी वेटिंग लिस्ट क्लियर ही नहीं की है, जबकि मैं 2 बार 3 बार दिखा चुका हूँ नोटिफिकेशन कि देखिए भैया ये
भर्ती की वेटिंग क्लियर हुई है और भारी भारी मात्रा में हुई है। 100-200 वेटिंग नहीं, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार वेटिंग क्लियर किया इन्होंने, लेकिन लगातार वही कमेंट आएगा नहीं क्लियर करती है। भैया नहीं पता है तो आपके लिए नहीं सही, तो आप तब तक जाएं जनता दरबार लखनऊ में जब तक गोरखपुर में सीएम जी का अपडेट नहीं मिल जाता। इंतज़ार करना है और हम लोग कर भी रहे हैं अपडेट, जैसे ही मिलता है, अभी कोई अपडेट नहीं, अभी कोई जनता दरबार लगेगा, जब भी लगेगा अपडेट मिल जाएगा ज़रूर, ठीक है, अपडेट ज़रूर मिल जाएगा कि इस दिन लगाने वाले हैं, बता देंगे हम, लेकिन अभी समय ज़्यादा लग रहा है, हो सकता है सावन आ रहा है, सावन पे जाने की तैयारी में हूँ, जनता दरबार लगाने की सोच रहे हूँ, तो अलग की बात है, जब भी लगेगा हम आपको ज़रूर बता देंगे, ठीक है। तो लेकिन तब तक हमको रुकना नहीं है, प्रयास करते रहना है, लगातार करते रहना है, ठीक है। जाके लखनऊ के जो भी आसपास के लोग हैं जाके सोमवार के दिन मिले, और मैक्सिमम चांस 90% चांस यही रहता है कि सोमवार के दिन सीएम सर खुद आप लोगों से, जो भी जनता दरबार में जाते हैं उनसे खुद मिलने के लिए आते हैं सोमवार के दिन, मैक्सिमम 90% चांस यही रहता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें को समझ गए होंगे, ठीक है, और देखिए पढ़ाई भी करते रहिए, जो भी एनएम बहन वाले हैं, फार्मासिस्ट वाले भाई हैं, आप भी पढ़ाई करते रहें, आगामी भर्ती आने वाली है आपकी रेलवे में, ठीक है, रेलवे के लिए तैयारी करते रहें, और भी भर्तियां आने वाली हैं, जैसे एम्स में भी भर्ती देखने को मिलने वाला है सितंबर अक्टूबर में, सीआरई की तरफ से भर्ती आने वाली है एम्स में, ठीक है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को नहीं रोकना है, लड़ाई के साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। स्टाफ नर्स के बीच जो बहन या भाई लोग हैं वो लोग भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहें, भर्तियाँ आएंगी, और सीएचओ की तरफ सीएचओ की भर्ती आने वाली है स्टाफ नर्स के पोस्ट पे, ठीक है। जो भी भाई या बहन हैं तो आप लोग तैयारी को कंटिन्यू करते रहें, सीएचओ की भर्ती 2024 में ही देखने को मिलेगा एनएचएम के तरफ से, ठीक है। उसके पहले वेटिंग लिस्ट क्लियर होना ज़रूरी है, उसके लिए जो चीज़ें हैं मैंने बता दिया हूँ, आप लोग परेशान ना हुआ करें। वीडियो नहीं आती है तो बिल्कुल एकदम परेशान हो जाते हैं, वीडियो नहीं आ रही है सर वेटिंग लिस्ट को लेकर, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हुआ करें। आपसे ज़्यादा टेंशन चिंता हमें रहती है, आपसे ज़्यादा चिंता हमें रहती है, क्योंकि शुरू से अंत तक चीज़ें जो भी जितना वीडियो हम बना दिए हैं एनएचएम 17,000 भर्ती के लिए, शायद कोई ही बनाया होगा, बहुत वीडियो हमने बना दिया, भर भर के वीडियो बनाए हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपसे ज़्यादा चिंता का विषय मुझे बना रहता है कि इतना दिन से हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, अगर सफलता नहीं मिलेगी तो आपसे ज़्यादा दुख तो हमें होगा। आप देखिए, आपका बदकिस्मत के वजह से वेटिंग में है, रीज़न है, अगर एनएचएम प्रोग्राम वाइज भर्ती नहीं निकालती तो मुझे पता है आप लोगों का जो एक नंबर दो नंबर से रुका है ना, वो सिलेक्शन नहीं रुकता, आराम से आप क्लियर कर जाते, वो प्रोग्राम वाइज भर्ती आने की वजह से आप रुक गए हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट किसी और ने ले लिया, ठीक है। एक लोगों ने 3-3 जगह रिजल्ट लिया है, ज्वाइनिंग जबकि एक ही जगह किया है, तो मुझे पता है, मैं जान रहा हूँ, ठीक है, बदकिस्मत की वजह से आप रह गए हैं एक नंबर दो नंबर से। तो अपने लिए बिल्कुल होपलेस ना हो कि आप कुछ नहीं, आप बहुत कुछ हैं, ठीक है। अपने स्टडी को बस पॉजिटिव एनर्जी के साथ करते रहें बराबर, और डीमोटिवेट तो बिल्कुल मत होइएगा कि नहीं मिल रहा है, आप क्वालिफाई हैं, वेटिंग लिस्ट में नाम है तो आप क्वालिफाई हैं, बट किस्मत आपके साथ, जो बोलते हैं ना कि 99% मिलना तो 1% लक होता है ना, तो वही 1% लक आपके साथ नहीं काम किया, वही साथ नहीं दिया, 1% लक जो होता है, ठीक है, यही आपके साथ नहीं दिया, बाकी आप डीमोटिवेट ना हुआ करें, ठीक है, किसी को लेकर। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें को समझ रहे होंगे, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बाकी आप हमसे ज़्यादा समझदार होंगे, हमसे ज़्यादा उम्र में भी बड़े होंगे, तो आप हम समझ रहे होंगे बेहतर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, कितने दिन से आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के साथ जो लगा हो गया उस चीज़ को हम फील कर पाते हैं, ठीक है, इसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें, जितना हो सकेगा उतना हम आपके साथ रहेंगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ रहे होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।